फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, लाइक करें एंड शेयर करें। हेलो एवरीवन, मैं हूं सबिता और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल ममाज ब्लॉगिंग में। फ्रेंड्स, आज मैं सैंडविच बनाने जा रही हूं। सैंडविच कई प्रकार से बनाया जाता है, लेकिन आज मैं जो बनाने जा रही हूँ सैंडविच, वो हेल्दी भी है और थोड़ी स्पाइसी भी है। इसे बच्चे भी खा सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं है और बड़े भी खा सकते हैं। और आपको पता ही है कि सैंडविच हम ब्रेकफास्ट में और स्नैक्स के रूप में कभी भी ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सैंडविच बनाना। सैंडविच की फिलिंग बनाने के लिए मैंने 2 मीडियम साइज के प्याज लिए हैं, जिसको मैंने चॉप कर लिया है। और ये थोड़े से पनीर है, जिसको मैंने छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है। ये स्वीट कॉर्न है, फ्रोजन है, उसको अच्छे से धोकर हल्का बॉयल कर लिया है इसे। और ये भी एक बड़े साइज का आलू है, जिसे बॉयल करके छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है। और ये खीरा और टमाटर है, जिसे मैं स्लाइस कर ली हूँ। और ये सारे मसाले हैं, ये टमाटो सॉस, ग्रीन चटनी, चिली फ्लेक्स है, चाट मसाला, और ये है ब्लैक पेपर पाउडर, गोल मिर्च पाउडर है, और काला नमक है, ये काला नमक है, और सेजवान चटनी। ये चीज है, ये ऑप्शनल है, अगर आपको मन हो तो डालिएगा, नहीं तो छोड़ दीजिएगा। और ये बेसन की भुजिया, ये भी ऑप्शनल है, ये आपके मन पर है, अगर आपको मन हो तो डालिए, नहीं तो कोई बात नहीं, आप नहीं डाल सकते। तीन सारी चीज़ों से मैं अब सैंडविच की फिलिंग तैयार करूंगी। ये चॉप ऑनियन में मैं ये पनीर को इसमें मिला दूंगी, कॉर्न को भी मिला देना है। उसके बाद इसमें 1 से 1.5 चम्मच सेजवान चटनी डाल देंगे। अगर आप तीखा खाते हैं तो थोड़ा सा और आप डाल सकते हैं, और थोड़ा सा नमक। ये डालकर हम लोग को इसको मिक्स कर देना है। अगर आपको मन हो तो इसमें कैप्सिकम भी डाल सकते हैं, बीन्स भी डाल सकते हैं, टमाटर भी डाल सकते हैं। ये मसाला रेडी हो गया, अब हम लोग स्लाइस पे इसको फैलाएंगे। मैंने 3 स्लाइस लिए, एक पर थोड़ा सा बटर फैलाएंगे, बटर डालेंगे, और एक पर ग्रीन चटनी। ये धनिया की चटनी है, होममेड है, अगर आपको मन हो तो ग्रीन चिली सॉस जो आता है वो भी आप डाल सकते हैं, लेकिन ग्रीन धनिया की चटनी से स्वाद थोड़ा अच्छा आता है। और एक पर टोमेटो सॉस डालेंगे। टोमेटो सॉस इस पर डालेंगे। अब ये कॉर्न वाला है, उसको बटर पे डालेंगे। आपकी मर्जी हो तो आप टमाटर वाले, ये टोमेटो सॉस भी डाल सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा चटपटा है और बटर का कोई ऐसा स्वाद नहीं आता, इसलिए उस पर डालेंगे। और ग्रीन चटनी वाले पे हम लोग खीरा, टमाटर और आलू डालेंगे, क्योंकि ये ग्रीन चटनी थोड़ा चटपटा है, तो इसमें थोड़ा सा ये इन्हेंस करेगा गाजर और सॉरी खीरा और टमाटर का स्वाद को। और मैंने आलू में थोड़ा सा चाट मसाला डाला है, आलू का जो कोई स्वाद नहीं होता, तो इसमें मैंने चाट मसाला डाला, थोड़ा चटपटा स्वाद आएगा, इसलिए मैंने इसको थोड़ा चाट मसाला डालकर और इसको इस पर डाल देंगे खीरा वाले पे, और ऊपर से थोड़ा सा काला नमक, थोड़ा सा चिली फ्लेक्स डाल देंगे, और उसके ऊपर ये बेसन वाली भुजिया है उसको डालेंगे। इससे स्वाद अच्छा लगता है, आप इसको डालकर देखिएगा, ऊपर से थोड़ा सा चीज, अगर आपको मन हो कि और ज्यादा डालें चीज तो आप डाल सकते हैं, ये आपके मन पर है, आप कितना खाना चाहते हैं चीज। और इसको हम लोग अब लेयर बना लेंगे। और इसके ऊपर हम लोग फिर से बटर डाल देंगे हर क्रंचीनेस आने के लिए, क्रंची क्रंची आएगा। और ये मेरा सैंडविच मेकर है, अगर आपको मन हो तो आप तवे पे बना सकते हैं, बस इसी तरह से बटर डालकर और आप उस पर भी सेक सकते हैं। अब इसके ऊपर भी थोड़ा सा हम लोग बटर डाल देंगे, दोनों तरफ से अच्छे से सिक जाए। आप इसी तरह से तवे पे भी डाल सकते हैं, दोनों तरफ से बटर लगाकर, और तवा पर जब लाल हो जाए तो फिर हम लोग दूसरी तरफ पलट देंगे और सैंडविच इसी तरह हो जाएगा, बन जाएगा इसी तरह से, कोई स्वाद में
अलग अंतर नहीं आएगा तवे वाले पे। अब ये हो गया, बस इस तरह से हो जाए तो फिर हम लोग उतार लेंगे। तवे पे भी इसी तरह का होना चाहिए, लाल हो जाए तो। और अगर आपको थोड़ा और क्रंची है मन हो तो फिर से थोड़ा सा बटर डालकर आप इसको फिर से थोड़ा सेक ले सकते हैं, सेक सकते हैं। ये सैंडविच रेडी है, ये बहुत टेस्टी लगता है, आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा।